जय माता दी। A few moments later. जगह के नाम तो ले ले, पठानकोट, अंबाला। चलो भाई चलो। खाने का माल ले आए ना सारा? हाँ जी माल ले आए हम सारा। खाने का पहले से? स्लिपर में सो रहे हम भी भाई। स्लिपर सबसे बड़ा स्लिपर भाई। क्या कह सकते हो, ये मजे दे रहा 5000 वाला। तो यार हो रहा है फैसला सबका कोरोना टेस्ट सर। ये देखिए और भी यहाँ मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई? चाचा है क्या कोई? चाचा ताऊ भैया बगीचा कोई तो आ जाओ। यहाँ मिलेगा, यहाँ फोम का मिलेगा भाई। तू अरे भैया जेंट्स का भी दे दो भैया। टेस्ट किस साइड हो रहा है? पहले फॉर्म भरना पड़ेगा भैया, ऐसा वहाँ मिल रहा है। अरे अभी मिलेगा नहीं, एक घंटे बाद मिलेगा। यो जय माता दी। मैंने तो सांस ही नहीं ली साड़ी, मेरे को पता अंदर कुछ जेट रही है। कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत पकड़ाओ फॉर्म भाई, हमारे चक्कर मत रहो आप। हाँ है? सीधा नेगेटिव कैसे? बस लिख दिया। अच्छा वो उधर से लिखा लो। हेलो जय माता दी। फाइनली जय माता दे। फाइनली हम अपने रूम में हैं। हमारी बस की बहुत एक अनंत जर्नी थी जो फाइनली खत्म हुई, और 17 घंटे लग गए वो, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम बहुत खुश हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, और रूम हमें काफी अच्छा मिल गया। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, और बेसिक रूम है, और चार्ज भी इसका मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा शायद। बजट रूम है, बाथरूम है, नॉर्मल बाथरूम है, और जो मेन व्यू वो है ये जी, ओपन स्पेस एंड वैष्णो देवी जहाँ यात्रा करनी है हमें, हमारी मंजिल जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं। हाँ जी अरे देसी चार्ज दो पड़ा हो, चीजें पैसे निकाल लो, खाली करके डाल दो, मैं कुछ बताऊंगा क्या डालना है। बहुत देसी ये लगे थोड़े हम तो। इस गेस्ट हाउस का नाम है रमन गेस्ट हाउस, अपोजिट रावलपिंडी। अरे ये धर्मशाला में डालना यार किसी के। ये देखिए बैठो, और जर्नी हमारी अभी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखते हैं नए रास्ते से जाते हैं या पुराने से। तो ज़रूरत के सारे सामान हमने टैली कर लिए भाई। तीन जने हम रुके हुए हैं यहाँ पे, रमन गेस्ट हाउस अपोजिट रावलपिंडी। अरे भाई भी हो गए पीछे तैयार। ये हमारे मनोज थापा जी है फ्रॉम दिल्ली है भाई, हम भी कई बार मत बोल रही है। आपको पता ही है कहाँ के बोल रहे हैं। और ये हमारे निशांत शर्मा जी, आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम हिमाचल सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर के हैं जी। और सारे अब तैयार हो रहे हैं, हमने अभी चढ़ाई करनी है भाई। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी 12:02 बजे। अरे 12 तो पहले ही 2 हो गए। 2 हो गए तो 12 तो छोड़ो, 2 हो गए, 3:15 हो रहे हैं।
भाई ये बस वालों की गलती है, क्या कर सकते हैं, बट कोई नहीं, माता जिस हाल में रखे हम राजी है, बोलो जय माता दी, जय माता दी, बंदे खुश है, ठीक है, दिल राजी है अपना। और भाई ज्यादा देर का शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेन मेन जगह ही बना पाऊंगा, क्योंकि ऊपर बैटरी का भी इशू आ सकता है और वगैरह वगैरह, पर आप कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे क्लिप्स दिखाए जाए और इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जाए। हाँ, इससे पहले आपको कोविड वगैरह का पता लगी गया क्या हाल था, और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तारा कोट मार गया नहीं नए रास्ते से शुरुआत। ये तो नीचे का किराया लिखे है, ये नीचे का। हाँ, जय माता दी सर, जय माता दी सर। तो यहाँ पे हमें इधर से जाना है, यहाँ स्कैनिंग होगी सर हमारी उसके बाद, ठीक है सर, थैंक यू। ये देख आप सकते हैं कितना क्राउड है, उधर जाना होगा। पर्ची दिखानी है, ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, और आपको मैं दिखाऊंगा बहुत ही अच्छा शहर और हम तीन ऐसा बने हुए हेलो वैष्णो देवी आने का, सुंदर नजारा है। दोस्तों बोले, ले कैमरा रोल कीजिए, हम आते हैं। अब हम अपने साथी से बात करेंगे, अभी हम कुछ ही ऊपर आए हैं। आइए आइए, पसीना, ये जो आपको पसीना दिख रहा है, ये कैसे हमारी वेट के वजह से है ये। अच्छा कमांडर साहब, सर बहुत बढ़िया, अभी कोई थकावट नहीं हुई है, ठीक है, अभी हम 10 किलोमीटर और चलेंगे ऐसी स्पीड में। सर आपकी हार्ट बीट आ रही है इसमें, ये ऊपर नीचे हो रही है, आप थक गए हो। चलो 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 ढीलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। ये थापा जी हमारे लंगर लाते हुए, और हम खा रहे हैं हलवा और चाय। निशु जी क्या लाए हैं लंगर हॉल में? क्या क्या इसमें है? ये बड़े आगे तो इन सब ने वो चारों स्टेप पूरे करे हैं, पीछे चार स्टेप थे बर्तन धोने के, चार या पांच। जी सर बिल्कुल आ जाइए, आ जाइए, हमने भी धोया। तन की शक्ति मन की शक्ति लेके आप धोया चले हम लोग। जी सर आइए, फिर चलते रहिए अब सर। इतने में आपको पार्क दिखाता हूँ, एक मिनट है भाई साहब, मैं पहले रात को आया था यहाँ, कहाँ गए? कमांडर, यस सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ओके, अभी तक तीसरे नंबर पे चल रहे हैं थापा जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी इस उपलब्धि पे? उपलब्धि पे बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, हमको लगा अभी तो शुरुआत हुई है थापा जी, थक जाएंगे तो थक तो जाओगे, उसमें क्या, सब थकते हैं थापा जी, थकते थकते आगे पहुंचते हैं। तो दस पूरा है,
सर जी कमांडर साहब भी आज थोड़े थके थके कमांडर साहब पानी पीते हुए कमांडर साहब पानी फेंकी है और मौसम काफी ठंडा हवा लग रही है माथे पे अरे फेंको पानी फेंको पानी बोटा बोटल दो सिप सिप करते रहे फूड है भी नाले एक ही फूड पेंगे ये है जी लंगर पॉइंट जहाँ आप लंगर खा सकते हो यस ब्रो रुके हुए हैं तो हम 7 किलोमीटर आ गए हैं इसे कहते हैं आधा रास्ता अर्ध कुंवारी तक क्या बात ये हिमकोटी मार्ग है जिस पे हम लेके जाएंगे पीछे था सबसे पुराने वाला रास्ता हमें 2.5 घंटे हुए हैं चले हुए 24 घंटे निशुल्क लंगर 24 घंटे निशुल्क लंगर हमने जो आपको नीचे दिखाया था यहाँ पे लिखा है 4.2 किलोमीटर वहाँ से जहाँ से हमने वहाँ पे चलो चलो नहीं 5 मिनट रुको इससे बैठ लो कि थोड़ा सा हाँ आगे बैठ लो आगे तुम बैठने दोगे बैठने देंगे चलो तो लगातार स्पीकर्स में आरती चल रही है जो कि टीवी पे आती है MH1 पे श्रद्धा पे आरती के टाइम वो दर्शन रुक जाते हैं तो 1-2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर आरती चलती है तो समय आप दर्शन नहीं कर सकते और हम अभी आधा पहुँचे हैं तो तब तक आरती कंप्लीट हो जाएगी जब तक हम भवन पे पहुँचेंगे फिर क्लॉक रूम पे जूते चमड़े का सामान ये बैग सब कुछ सबमिट करवा के सिर्फ प्रसाद की थैली खरीद कर प्रसाद के लिए चढ़ावे के लिए आपको अंदर लेके जानी है और उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं आधा रास्ता हमारा कंप्लीट हो गया है आधा और चलते हैं जय माता दी बस भवन के बहुत पास 8:15 बाकी हैं और 8 बजे की हमने टाइमिंग दी थी बिल्कुल और उससे पहले पहले जो हम पहुंच चुके हैं भवन पे अच्छा और हमारे साथ थे अनमोल सर अपने और इन्होंने अपना रूटीन रखा होता कि 100 मीटर के बाद उनको रेस्ट करनी है और चलो थापा जी हाँ जी सर रुकिए आप रुक जाओ अरे बात कहाँ बैठना मंदिर आ गया चलो पागल है तुम बैठे मैंने बैठूँ मैं भाई कुछ खाएंगे यार वाओ कहाँ पर यहाँ कुछ खा रहे हैं खा रहे हैं मैं खा रहा हूँ साकेत लिखा है साकेत हाँ खाने के ही है फिर मैं तो खाऊंगा मैं खा रहा हूँ है देख लेते हैं जी बहुत हैवी वाले लिखे ये नहीं नॉर्मल है बहुत हैवी लग रहा है ये मतलब बहुत नॉर्मल है सामान आगे प्रोटोकॉल क्या खाओगे ये है भाई वैष्णो देवी की एक बहुत डिलीशियस चीज़ 40 रुपये प्लेट हो गई है पहले थोड़ी सस्ती थी पर कोई बात नहीं बहुत स्वाद राजमा चावल और कढ़ी चावल ये है फाइनली हम भवन पे पहुंच चुके हैं जहां अनंत भीड़ है और अब हमें क्लॉक रूम लॉकर वगैरह सब देखना होगा पर माता के दर्शन तो करने हैं भाई आप भी करिए दर्शन
तो ये दर्शन करने की अगली सुबह है और हम अपने रूम में बैठे हैं। माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हमारे दर्शन भी हुए और सारे भाई बंधु सही सलामत मस्त एकदम चाप चाय पी चुके हैं सब। एक चीज़ यही थी कि भाई ऊपर सब बढ़िया था, टाइम से हम पहुंच भी गए, पर ऊपर का सिस्टम थोड़ा ख़राब था, शायद भीड़ एकदम से ज़्यादा आ गई लॉन्ग वीकेंड या 26 जनवरी या सैटरडे संडे, आपको पता है दिल्ली वालों को एक छुट्टी चाहिए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या हुआ, भेड़ शॉप पर बहुत भीड़ मिली हमें, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। उसमें हमारे एक योद्धा हमारे लिए प्रसाद लेके आए, चलो बढ़िया हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। और क्लोक रूम तो आप आओ तो ध्यान रखना भाई, क्लोक रूम और भेड़ शॉप पे बहुत भीड़ मिलती है, इसलिए या तो डेज ऐसे चुनो कि भीड़ कम हो, ठीक है जी, या फिर प्रिपेयर हो क्या हुआ, जितना अच्छा प्रिपेयर हो गया उतना बढ़िया है। और भैरव घाटी पे बर्फ़ भी पड़ी हुई थी बट रात के कारण हमें दिख नहीं पाई, और हम बैठना चाहते नहीं थे, देखो कि हम अगले दिन जाएंगे या कुछ करेंगे, हम जब तैयार हुए तो निकल पड़े थे। बहुत मज़ा आया हमें, बीच में फिर हमारी थोड़ी टांगें जाम हुई तो फिर हम आराम से रेस्ट करते भी आए, अर्धकुंवारी भी गए, गर्भजून गुफा में भी गए जो कि बंद थी कोरोना के वजह से। बाकी बहुत बढ़िया, आज हम कटरा में हैं, पूरा दिन हमारे पास खाली है, अब अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे हम, थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत धूप निकली हुई है। बाकी कोरोना वगैरह का मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। गर्मा गर्म चलो टेस्ट करो, 20 पीस है इसमें। ये देखो आप व्यू, ओ भाई साहब इतनी ठंड में कच्चा आटा खिला रहे उनको। तो ये लेक के साथ ही मार्केट भी है जहाँ पे जरूरत का सामान खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लगभग नॉर्मल चीजें हैं, खाना आप खा सकते हैं, थोड़े बहुत डेकोरेटिव चीजें हैं आपको दिखा देंगे। ये यहाँ देखिए पहले, ये सब देख लीजिए ठीक है।